तो मैं दीपक सर आप सभी को क्लास टेंथ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ 2014 का जो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्ट मैथ का वो लेकर आ गया हूँ। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है आपका द्विघात बहुपद इतना का क्या है मूल है, तो आपको क्या निकालना है 1/α + 1/β का मान पूछा गया है। तो 1/α + 1/β का मान जब भी पूछा जाए तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है -b/c, यही आप फार्मूला लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके तो देखिए बी और सी कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ रहता है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए कितना है 2 है और सूत्र में माइनस है, और सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना आ गया -2/3, यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से सवाल क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1/α 1/β का मान प्लस में द्विघात बहुपद रहेगा और जिसके मूल अल्फा बीटा हो, तो यही ट्रिक आपको अपना लेना है। ठीक है अगला सवाल देखिए कि द्विघात बहुपद, ठीक है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सवाल है इसको आपको लिख देना है और -3 है तो 3 और बराबर में 0 लिख देना है। यहाँ पे इसको इधर ही छोड़ देना है और ये देखिए माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर क्या होगा रूट चढ़ेगा। ठीक है तो यानी एक्स का वैल्यू जो आएगा ±√3 आएगा। ओके क्योंकि रूट तर प्लस माइनस चिन्ह छिपा रहता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बी आंसर हो जाएगा ±√3। ओके क्या करना था एक बार फिर से आपको बता दूं, जब भी शून्यक निकालना हो तो क्या करना है आपको बराबर में शून्य ले लेना है। ओके और यहाँ से स्क्वायर इधर रहने दीजिए, ये माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया। ओके स्क्वायर हटा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा। ठीक है और यहाँ पे रूट तर प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है। ओके तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा एक्स का मान ±√3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि एक वृत्ताकार पथ है और एक ही बिंदु से 3 धावक चलना शुरू करते हैं और समय टाइम दिया रहेगा अलग अलग घंटे, जैसे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे लग रहे हैं, तो प्रारंभिक इसी बिंदु पर आने में एक चक्कर मारकर आने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लेना है। ओके 3, 4, 8 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए हम बताते हैं आपको 3, 4, 8 का। ओके तो यहाँ पे 2 से करिएगा तो ये तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर आप 2 से निकालेंगे तो ये तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, अब गुना कीजिएगा तो 2 2 फिर 2 तो 8 हो गया और फिर 3 से 8 3 के 24 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 24। ओके ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे बोला है बहुलक होगा, तो बहुलक जब भी निकालना हो तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 2 कितना बार आया है, सबसे अधिक बार आया है 2, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था, याद रखेंगे। ओके अगला सवाल है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखा के खंड के मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो यहाँ पे x1 + x2 यानी कि 4 + 6 कितना हो जाएगा 4 + 6 और √2 कर देना है। ओके x1 + x2 √2, ये y1 5 है, ये y2 5 है, तो 5 + 5 और √2। ठीक है तो यही आपको सूत्र लगा देना है।
तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 10 और बटा 2, और यहाँ पे भी 10 बटा 2। ओके, जब इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ये भी काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा भाई, तो 5 5 होगा इसका आंसर, 5 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आपको ऐसे प्रश्न अगर दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, पहला और पहला दोनों में कर पहला अंक जोड़ देना है और दूसरे भाग कर देना, आधा कर देना है, तो 4 और 6 10 10 के आधा 5, और 5 5 10 10 के आधा 5, यानी 5 5 कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक कहेगा तो ऐसे ही करना है। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात, तो पहले से हम लोग परिधि कितना जानते हैं, पहले से त्रिज्या अगर आर है, पहले से त्रिज्या अगर आर है, बाद में नया में क्या कहा गया है कि त्रिज्या को आधा कर दो, यानी आर बाई टू कर दो। ओके, तो ये पहले से त्रिज्या आर होता है और बाद में क्या करना गया है, क्या कर देना है, तो आर बाई टू यानी त्रिज्या को आधा कर देना है। तो पुराने, तो पहले से परिधि कितना होता है पुराना का, 2πr। ठीक है, और नया, नया का परिधि कितना होगा भाई, तो 2π, और नया में त्रिज्या क्या 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 किया गया था, तो r बाई टू लिखना था। ओके, अब ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये दो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे r लिखा था और नीचे भी r, काटेंगे तो ये तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा भाई, 2, और नीचे क्या बचा, 1, यानी इसको अगर अनुपात लिखेंगे तो कितना आएगा, 2:1 आएगा, कितना आएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी, 2:2, यानी कि 2:1 होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, कितना हो सकती है, याद रखेंगे किसी भी घटना की प्रायिकता पूछा जाए, यहाँ पे की छूट गया है, प्रायिकता हो सकती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, हो सकती है, तो कितना हो सकती है, तो -1 होगा, नहीं हो सकती है, कितना भाई, नहीं हो सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, प्रायिकता का वैल्यू कितना होता है, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या बराबर, यानी कि प्रायिकता का मान क्या कहा जा रहा है, 0 हो सकता है चाहे 1 हो सकता है, ठीक है, या 0 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब कभी भी प्रायिकता का मान पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 0 से लेकर 0 और 1, ठीक है ना, 0 और 1 के अंदर में जो भी अंक आएंगे इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में, इसके बाहर नहीं, 1 के बाहर नहीं हो सकता प्रायिकता, और 0 के पीछे मतलब 0 के बाएं साइड में अगर जाएंगे कोई भी माइनस अंक नहीं हो सकते हैं प्रायिकता, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, प्रायिकता नहीं होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में जो भी अंक होगा वो प्रायिकता हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो 0 0 कितना का होता है, असंभव घटना की प्रायिकता चाहे अनिश्चित घटना की प्रायिकता, 1 कितना का होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता या संभव घटना की प्रायिकता, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों कि नहीं हो सकता है प्रायिकता, तो माइनस में 1 नहीं होगा क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया, इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा, याद रखिएगा, माइनस में कोई भी अंक दिखाई दे तो प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा जैसे 2 4 5 इस तरह से दिखाई दे ये भी प्रायिकता नहीं होगा, कोई भी मान माइनस में दिखे, 1 जैसे -2 चाहे -3, तो ये सब प्रायिकता नहीं होगा, याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। आगे देखिए, यदि √2cos θ बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, यहाँ से अगर आप cos θ को ऐसे ही छोड़ते हैं तो इधर 1 और ये सटा है तो बटा में चल जाएगा √2, तो ये 1/√2 किसका मान होता है, तो cos 45 का होता है, कितना का होता है, cos 45 का, नहीं यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, हमने आपको बताया कि यहाँ से आप निकालेंगे जैसे cos θ हो गया,
एक है तो एक ऊपर चला जाएगा, सटा हुआ है तो बटा में चल जाएगा। ओके, अगर हम इसको कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दें, और ये कितना का कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 45 का मान होता है, याद रखेंगे। ओके, कॉस 45, तो यहाँ से कॉस कॉस कट गया, तो थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री आया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ओके, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ताकि ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही देखते आंसर कर सकते हैं। ओके, जब भी 1 cot² की बात करें ऊपर में, और नीचे 1 tan² दिखाई दे, तो ऊपर में जो कॉट स्क्वायर होगा तो कॉट स्क्वायर आंसर करना है। ओके, अगर यही उलट कर दे दिया जाए, जैसे ऐसे पूछ देगा कि 1 tan² थीटा बटा 1 cot² थीटा, तो ऊपर टेन स्क्वायर दे देगा, तो आंसर हो जाएगा 10 square। ओके, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर कॉट स्क्वायर है। अब ये कैसे आया, देखिए मैं इसको भी बता देता हूँ आपको कि कैसे आया, ठीक है। तो देखिए 1 cot² बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए मैं बता देता हूँ क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 cot² बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा ये 1 tan² कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है सूत्र। ओके, तो ऊपर क्या है, कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 sin² थीटा लिख सकते हैं। ओके, बटा ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 cos² थीटा। अब यहाँ पे 1 sin² 1 cos², जब इसको हम उलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि कॉस बटे साइन, नीचे ऊपर कॉस और नीचे साइन है, तो क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। ओके, यानी कॉट स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं। तो हमने जो सूत्र बताया आपको, ट्रिक बताया, वो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप देखते ही देखते ऐसे आंसर कर सकते थे। देखिए इस तरह से भी आंसर कॉट स्क्वायर ही आ रहे हैं, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे ए छूट गया है, ए लिख दीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेंगे, ऊपर 1 cot² है, नीचे 1 tan² है, तो जो ऊपर कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर आंसर, अगर ऊपर टेन स्क्वायर दिखता तो टेन स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो हमने आपको टोटल 10 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।